कोई भी बेसिकली मटेरियल है जो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है किसी तरीके का और उसकी जो वर्किंग हो रही है उसके भी हाथ पे वो किस तरह से मटेरियल अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा है, अपनी तरफ अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कंडीशन, इन सभी चीज़ों को हम किस तरीके से जान पाएंगे। तो अगर किसी मटेरियल के बारे में अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं उसके बारे में हमने देखा कि मटेरियल की बनावट कैसी होती है और मटेरियल की बनावट होते होते मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, और जब बिहेव करता है तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या अंतर आते हैं और इनके अंदर जो डिफेक्ट्स अवेलेबल हैं, जो इंटरनली एटॉमिक लेवल पे डिफेक्ट्स अवेलेबल हैं, जब उस तरह के लोडिंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर आती है तब वो मटेरियल जो एटॉमिक लेवल से बना हुआ है वो किस तरह से बिहेव करता है उस पर्टिकुलर कंडीशन को सस्टेन करने के लिए, इन सभी चीज़ों को अभी तक हम लोग स्टडी करते आए हैं। जैसे कि लास्ट अभी हमने लेक्चर में कंप्लीट किया कि देयर द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स एंड द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर किस तरह से क्रिस्टल इम्परफेक्शन वर्क करते हैं, तो वो जो डिफेक्ट्स है जो इम्परफेक्शन है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी को बेसिकली बेटर करने के क्रम में या फिर उसकी प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के क्रम में या उसकी किसी प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से इन सर्विस पोजीशन में सर्व करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, तो अब ये किस हद तक फिजिबल है उस पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, तो उसके भी हाफ पे हम लोगों ने दो तरह के टेस्ट को आइडेंटिफाई किया हुआ है। दैट टेस्ट आर बेसिकली द डीटी एंड द एनडीटी। दैट डीटी मींस द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड द एनडीटी मींस द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बेसिकली इज रिलेटेड टू It is a form of object that analyzes that involve applying a test to break down a particular material to determine its physical property such as the mechanical property of strength, toughness, flexibility, hardness, automobile, okay. So these are the basic properties ko humne pehle bhi lectures mein discuss kiya hua hai कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है और कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अभी तक जितनी भी चीज़ों को हम पढ़ते आए हैं किसी भी मटेरियल की में अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है, तो आती कैसे है, तो उसके अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो अरेंजमेंट्स हैं और जो उनके अंदर इम्परफेक्शंस हैं उनके बिहाफ पे उस मटेरियल का प्रॉपर्टी डिफाइन होता है, तो कितना हद तक वो प्रॉपर्टी को झेल सकता है। बेसिकली अगर हम मैकेनिकल लेवल की बात करें तो मैकेनिकल से रिलेटेड अगर बात आती है तो वो लोडिंग की आती है, कितना उसके ऊपर लोड लग रहा है, किस वे में लग रहा है, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसके भी यहाँ पे हमने तरह तरह की मैकेनिकल लोडिंग को लगा के या मैकेनिकल कंडीशन को अप्लाई करके मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था, तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर्टिकुलर मटेरियल कितना सस्टेन कर सकता है, कितना मैक्सिमम लिमिट तक अपने आप को सस्टेन कर सकता है उसके बारे में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्वियसली उसको हम टेस्ट करेंगे, जितना वो एक्सीड करेगा, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था कि भाई अगर किसी मटेरियल के अंदर कोई स्ट्रेचिंग हो रही है तो उसमें जो एज डिसलोकेशन की बात हुई थी, तो जब स्ट्रेचिंग होती है तो एटम अपने एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे स्ट्रेच होते हैं, मींस एक दूसरे से सटने लगते हैं, और जैसे जैसे स्ट्रेचिंग होती है वह पर्टिकुलर एटम अपने पोजीशन को डिसलोकेट करता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक एटम दूसरे एटम का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, और वही छोड़ना वो क्रैक को प्रोपोगेट करता है जिससे मटेरियल टूट जाता है। तो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, राइट साइड में जो फिगर दिया हुआ है नीचे वाला सेकंड फिगर है, इसमें देख रहे हैं मटेरियल ब्रेकेज है, तो ये मटेरियल का ब्रेकेज हुआ कहाँ, एटॉमिक लेवल से, जब आप उसके ऊपर लोड लगाए उसको दोनों एंड से खींच रहे थे। तो डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की अगर हम बेसिक में बात करें तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें मटेरियल को उसकी मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ जानने के लिए
हम उस पे लोड अप्लाई करते हैं जिससे वो मटेरियल टूट जाए, और जब वो मटेरियल टूट जाता है उससे हमें यह पता लगता है कि यह पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी इसकी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जिसके बाद ये मटेरियल टूट जाएगा। लेकिन इसके अंडर जितना लोड लगा हुआ है, अगर उतने लोड तक इस पर्टिकुलर मटेरियल को यूज़ किया जाए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, तो विद इन दैट एक्सट्रीम लिमिट यह पर्टिकुलर मटेरियल अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू हम मटेरियल के टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो भी स्पेसिमेन यूज होता है, जो भी मटेरियल यूज होता है, उसको हम उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को जानने के लिए यूज में लाते हैं, और जो भी मटेरियल यूज में आता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, उसको हम रीयूज नहीं कर सकते। रीयूज नहीं कर सकते क्यों, क्या रीजन है रीयूज नहीं करने का? सो वो मटेरियल जो है वो फाइनली टूट जाएगा, तो फिर उसको उसी ओरिजिनल शेप में हम यूज नहीं कर सकते। और यही चीज डिफर करती है एनडीटी की, दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इस टेस्ट के अंदर हम मटेरियल को तोड़ते नहीं है, हम मटेरियल के इंटरनल फ्लॉज को, जो सब सरफेस डिफेक्ट्स है उस मटेरियल के अंदर बने हुए, ठीक है, अगर मटेरियल कास्टिंग या वेल्डिंग करके या फॉर्जिंग करके हमने बना दिया, और बनाने के बाद भी अगर उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, या ड्यूरिंग इन सर्विस उसके अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होने शुरू हुई, और उस स्ट्रेसेस की वजह से उस मटेरियल के अंदर क्रैक्स आ गए, उस मटेरियल्स के अंदर क्रैक बनने शुरू हो गए, तो उस क्रैक बनने के क्रम में क्या होगा, मटेरियल की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस तरह के इन सर्विस प्रोडक्ट्स की मेंटेनेंस की जानकारी के लिए अगर कहें, या फिर उसकी इन सर्विस पोजीशन को वेल बैलेंस करने के लिए हमें जिस टेस्ट को परफॉर्म करना होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, जिसमें हम मटेरियल को तोड़े बिना, ब्रेक किए हुए बिना उसको एग्जामिन करते हैं कि अगर वो मटेरियल बना हुआ है तो उसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं, कोई डिफेक्ट तो नहीं, या वह मटेरियल अगर किसी सर्विस में है, काम कर रहा है, तो काम करते करते समय भी उसके अंदर किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं आ गया। तो उस तरह के इन सर्विस प्रोडक्ट्स को देखने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम मटेरियल को तोड़े बिना ही उसकी उसी बनी हुई स्थिति में ही उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं बिना तोड़े हुए। तो ये दो बेसिक मेजर डिफरेंस है डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव के बीच में, दैट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो भी मटेरियल यूज होता है उसको रीयूज नहीं कर सकते, बट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मटेरियल को इन सर्विस में हम यूज करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसमें जो भी मटेरियल टेस्ट होगा उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो आप पर्टिकुलरली अभी हम लोग फोकस करेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पे, देन वी विल मूव टू द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर, देयर इज अ क्रैश टेस्ट इज हैपनिंग ऑन द एरोप्लेन इन द डेजर्ट ऑफ दैट इज मे बी इन द अबू धाबी और समवेयर प्लेस। सो यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के क्रैश टेस्ट को डिफाइन किया गया है, स्ट्रक्चर को टेस्ट किया गया है कि जो भी मटेरियल से ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट बना हुआ है, तो अगर ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो इसकी जो भी बनावट है और इसकी जो मटेरियल है वो कितने देर तक अपने आप को सस्टेन कर सकती है, और किस हद तक उस स्पीड में अपने आप को बैलेंस कर सकती है। तो किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी चीज़ को उसको एग्जामिन करने के लिए कि वो उसकी क्षमता कितनी है, उस पर टेस्ट किया जाता है। सिमिलरली विद एज योर एग्जामिनेशन एज वेल, थ्रू आउट जितनी भी क्लासेस हम ले रहे हैं, जितनी भी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, आपको टेस्ट के थ्रू एग्जामिन करते हैं कि आपने कितना ऑब्जर्व किया उसको, आप कितना उसको सस्टेन कर पा रहे हो। इन द सिमिलर मैनर मटेरियल को भी बनाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है
कि वह पर्टिकुलर मटेरियल या बनाया हुआ प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर एक्सट्रीम जाता है तो क्या वह उस पर्टिकुलर को सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो और उसमें बेहतर क्या किया जा सकता है, उसके बिहाफ पे टेस्ट बाई टेस्ट हम उस मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं और टेस्ट करके हम उस मटेरियल को सेवरल कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं और तब जाके कोई प्रोडक्ट रेडी होता है और वो प्रोडक्ट लाइफ लॉन्ग या फिर कैड अपने टाइम ड्यूरेशन में काम करता है बेहतर तरीके से। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, हमें उसको वेरियस डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से गो थ्रू करना होता है, जिससे अगर बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से ही हम एग्जामिन कर पाएंगे। और इन दैट सिमिलर वे आप राइट साइड में देख सकते हैं टेंसाइल टेस्ट के बारे में दिखाया गया है कि मटेरियल के ऊपर अगर खिंचाव आता है तो वो मटेरियल कितना खिंचाव को सह सकता है बिना टूटे हुए, और जब वो टूट जाता है उससे उसी मैकेनिकल मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है। सो प्रोलॉन्ग एंड्योरेंस टेस्टिंग अंडर द मोस्ट सब ऑपरेटिंग कंडीशन कंटिन्यू अंटिल द कंपोनेंट इक्विपमेंट और प्रोडक्ट स्पेसिमेन फेल, मीन्स जब तक उसको टूट ना जाए अपनी पर्टिकुलर कंडीशन के बिहाफ पे तब तक उसको हम टेस्ट करते हैं। And the purpose of destructive and non-destructive testing is to determine the service life and to detect the design weakness that may not show up under normal working condition. तो ये basically in service में अगर कोई product है तो उस product की क्षमता को जानने के लिए कि उसकी life line कितना देर तक वो काम कर सकता है particular condition में, उस अपनी working condition में, उसको जानने के लिए हम basically इन तरह के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बाय द डेफिनेशंस, इन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव फिजिकल एनालिसिस, दैट इज टेस्ट आर कैरिड आउट टू द स्पेसिमेंस फेलियर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्पेसिमेन परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल बिहेवियर अंडर डिफरेंट लोड, डिफरेंट डिफरेंट लोड के कंडीशन के ड्यूरेशन में मटेरियल के स्पेसिमेन को टेस्ट किया जाता है उसके फेलियर को एग्जामिन करने के लिए। एंड दिस टेस्ट आर जनरली मच इजियर टू कैरीड आउट, यील्ड मोर इंफॉर्मेशन एंड आर इजियर टू इंटरप्रेट देन द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज द मोस्ट सुटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर द ऑब्जेक्ट विच विल बी मास प्रोड्यूस एज द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पेसिमेन इज नेग्लिजिबल। कहने का अर्थ यह है कि जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, अगर हम किसी मटेरियल को बना रहे हैं तो इनिशियल बेस पे ही उस मटेरियल को बनाने के बीच में ही हम मटेरियल के बीच में से एक प्रोडक्ट को काटते हैं और उस प्रोडक्ट का स्पेसिमेन बना के हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हमें पता चल जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर मटेरियल को जो हमें बनाना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, अगर इसने कंपोजिशन या इस प्रोसेस से बनाएंगे तो ये मटेरियल उतना स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर देगा। अब अगर इस मटेरियल को हम बिना टेस्ट किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा लॉट में बना दिया या मास में बना दिया और उसके बाद मटेरियल को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद पता चला कि जो रिक्वायरमेंट हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए थी उतना तो ये मटेरियल बेयर ही नहीं कर रहा है, तो बना बनाया जितना भी प्रोडक्ट था वो मटेरियल था वो तो ख़राब हो जाएगा। तो एक इसमें बेनिफिट होता है कि इनिशियल बेस पे ही मटेरियल को छोटे लेवल पे बना के ही टेस्ट कर लेते हैं एज पर द स्टैंडर्ड, और उसको चेक करने के बाद बड़े लॉट में उस मटेरियल को हम बनाने के लिए दे देते हैं। एंड इट इज़ यूजुअली नॉट इकोनॉमिकल टू डू द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वेयर ओनली वन यूनिवर्सल टेस्टिंग और फ्यू आइटम आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कम आइटम्स के बिहाफ पे यह थोड़ा इकोनॉमिकल नहीं होता है। एंड इट टू डिटेक्टिंग द फेलियर कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग अ साउंड डिटेक्टर और स्ट्रेस गेज विच प्रोड्यूस अ सिंगल और टू ट्रिगर द हाई स्पीड कैमरा दैट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अनदर काइंड ऑफ टेस्टिंग। अगर हम लार्ज स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बात करें, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, उन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को टेस्ट करने की बात करें तो उसके अंदर जो मटेरियल हम यूटिलाइज करते हैं लाइक सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, इस तरह के मटेरियल्स को चूज करके हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। जो प्रोडक्ट है वो घर होता है या फिर कोई बिल्डिंग होती है, यस, तो उस बिल्डिंग को बेसिकली हम किस मैक्सिमम लिमिट तक एग्जामिन कर सकते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए हम क्या करेंगे। सो वी आर कंटिन्यूइंग
विद दैट पर्टिकुलर, कि अगर भाई कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर है, डैम हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, तो उसके स्पेसिमेन को काट के ब्लड टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस तरह के मॉडल को बना के जरूर हम टेस्ट कर सकते हैं कि भाई अगर इस इतने पर्टिकुलर रेंज में हम मटेरियल को बना रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं तो किस तरह से वो पर्टिकुलर कंडीशन पे अपने आप को बिहेव करेगा, और उसके स्टैंडर्ड के बिहाव पे हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर पाते हैं। सो लार्ज स्ट्रक्चर्स के टेस्टिंग के लिए हम एक डेमो बनाते हैं और उसके बिहाव पे उसको एक टेबल पे रखते हैं और तरह तरह के लोडिंग को, लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें तो उस पर बेसिकली हम अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में भी हम उसको चेक करते हैं, वाइब्रेशन टेबल पे रख के उसको वाइब्रेट कराते हैं, तरह तरह एंगल पे ट्विस्ट करते हैं, और उसके बाद हम डिफाइन कर पाते हैं कि जो भी मटेरियल इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने के लिए हेल्प में आ रहा है वो सुटेबल है कि नहीं है। इन द सिमिलर वे दैट वी विल डिफाइनिंग द पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ दैट बिल्डिंग। सो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर मोर फ्रिक्वेंटली कैरीड आउट फॉर स्ट्रक्चर विच आर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द अर्थक्वेक जोन एज वेल। So such tests are sometimes referred to as a crash test, and they carried out to verify the design seismic performance of a new building or actual performance of existing building. So the tests are mostly carried out on a platform that is called the shake table, which is designed to shake in the same manner as the earthquake, and the result of those tests often include the corresponding to the shake table, and the testing of the structure in earthquake is increasingly done by the modeling the structure using specially finite element software. तो इस तरह के structure को जब हम record करते हैं उसके failure को या फिर उसके testing को, उसको हम software level पे भी जाके test करते हैं कि कितने load के behalf पे उसके किस portion पे कितना ज़्यादा load लग रहा है जो material bear कर रहा है। तो इस तरीके से basically कहें तो mechanical strength हर एक पोर्शन पे मटेरियल प्रोडक्ट को एग्जामिन करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, और यही डिस्ट्रक्टिव टेस्ट डिफाइन करता है। तो इसके भी यहाँ पे हमने बहुत सारे टेस्ट को क्लासिफाई किया हुआ है, इनमें जो बेसिकली है आप देख सकते हैं, दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, दैट इज द क्रैश टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट में दो टेस्ट होते हैं, चार PNI जोड़, क्रीप टेस्ट, फटीक टेस्ट, टॉर्शन टेस्ट, बेंड टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट, डबल एंड सिंगल शीयर टेस्ट, फ्लैटरिंग टेस्ट। तो ये सारे जो DT टेस्ट है ये मैकेनिकल लोड से, मैकेनिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। नाउ अगर दूसरे वे में हम देखें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, दैट इज द फर्स्ट वन इज द विजुअल टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग, लीक टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग, थर्मोग्राफी, इंफ्रारेड टेस्टिंग, लेजर टेस्टिंग, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। तो ये इतने सारे तरह के टेस्ट हैं बेसिकली मटेरियल के इन सर्विस पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एनी कंपोनेंट और प्रोडक्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को करते हैं और इन सर्विस में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो मोर इम्पॉर्टेंट है उन पर्टिकुलर टेस्ट को हम लोग एग्जामिन करेंगे। सो उसके भी हाफ पे जो बेसिकली एक डिफरेंस है डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को लेके, वो हम चार्ट आउट किए हुए हैं। सो दीज टेस्ट यूजुअली इन द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव के भी हाफ में दे सिमुलेट वन मोर सर्विस कंडीशन, कॉन्सिक्वेंटली दे नीड टू मेजर सर्विसेबिलिटी डायरेक्टली एंड रिलायबली, and that in the non-destructive test usually involve indirect measurement of the property of no direct signification in service. The correlation between these measurement and serviceability must be proved by the other mean. In the destructive testing, tests are usually quantitative measurement of the load for the failure, and in non-destructive test it is usually quantitative and rarely qualitative. Galat dikha hua hai. That is the qualitative and quantitative base hoga. They do not usually measure the load for the failure or the life to failure even indirectly. So non-destructive test mein koi si tarah ka hum log external load nahi apply karte, koi si tarah ka hum log external load apply.
Next, that the destructive tests are not usually convenient to apply the part in service. जो भी इन सर्विस प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते बट द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में ऑफन इन अप्लाई टू द पार्ट विच इज इन द सर्विस मीन्स अगर वो वर्किंग में है तो उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं बट नॉन डिस्ट्रक्टिव में वर्किंग में हम किसी कंपोनेंट को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके स्पेसिमेन को टेस्ट करते हैं एक नमूने को टेस्ट करते हैं नॉट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में बट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम पूरे सेगमेंट को पूरे प्रोडक्ट को ही एग्जामिन कर सकते हैं लाइक अगर हम बोले कि कोई रेलवे ट्रैक है ठीक है तो रेलवे ट्रैक का जो मटेरियल है जब उसको हम बनाने जाएंगे या सेलेक्ट करने जाएंगे उस टाइम पे हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करके उसके वेरियस मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बिहार पे उसको टेस्ट करेंगे लेकिन जब वो इन सर्विस में होगा जब वो लाइन ट्रैक पे बिछ जाएगा तब उसको हम उसके दौरान में डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते उस दौरान में हम क्या टेस्ट परफॉर्म करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करेंगे कि इन सर्विस में जब वो है तो ड्यूरिंग सर्विस उसके अंदर कोई फॉल्ट या डिफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको देखने के क्रम में हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करेंगे एंड दैट इज हाउ वी कैटेगराइज बोथ दिस सो अगेन द मूविंग टुवर्ड द कल्टीवेटिव चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन नॉट बी रेडली मेजर बाय सिंगल यूनिट and in the non-destructive test that permit the repetitive check of given unit over a period of time. In this way, the rate of circuit damage is detectable and its correlation with the service failure may be stabilized clearly. And these are the basic types of that the difference which is showing here. So you may be proceed. So with that part of the very high material or the fabrication cost, the cost of replacing the part is high, may be prohibited. तो यहाँ पर थोड़ी सी destructive testing में ये भी problem होती है कि अगर कोई product मतलब बहुत ज़्यादा costlier है या sophisticated product है तो उसको किस तरह से test किया जाए तो उसके हिसाब से थोड़ा संभल के मतलब उस product को बनाना पड़ता है या फिर उसके fabrication cost के भी आपको उसको select करना पड़ता है किस तरह की destructive test को उसके ऊपर perform किया जाए उसकी रिप्लिका किस तरह से बनाई जाए एंड इन द सिमिलर नॉन डिस्ट्रक्टिव द एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ वेरी हाई मटेरियल और फैब्रिकेशन कॉस्ट आर नॉट लॉस्ट इन द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्योंकि वो इन सर्विस प्रोडक्ट के लिए यूटिलाइज करते हैं इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दैट इज जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट that particular difference which is related to that. So on that behalf, this is how we can conclude the various destructive and non-destructive differences. And in the next class, we will detailing the each processes. So okay for now.